नासिका ग्रह मुद्रा, नासिका ग्रह मुद्रा, इसको विष्णु मुद्रा भी बोला जाता है। नासिका ग्रह मुद्रा इसको विष्णु मुद्रा ही बोला जाता है। मैं अनुलोम विलोम इसी मुद्रा में रह के करता हूँ। मैं अनुलोम विलोम के दौरान अपनी तर्जनी और अपने मध्यमा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अपनी तर्जनी और अपनी मध्यमा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तर्जनी का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, मध्यमा का इस्तेमाल वर्जित नहीं है। आप कई प्रांतों में देखेंगे मध्यमा का इस्तेमाल हो रहा होता है, पर मध्यमा का इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं है। कारण क्या है? मैंने भी बताया कि मेरी सूर्य स्वर है, मेरा सूर्य स्वर मेरा राइट साइड पर है। अगर मैं अपने राइट नॉस्ट्रल को कभी भी टच करूँगा तो मैं अग्नि से ही करूँगा। अंगूठा मेरा अग्नि है और मैं अनुलोम विलोम का अभ्यास हमेशा राइट हैंड से ही करूँगा और किसी हाथ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अंगूठा तो अग्नि है ही है, अंगूठा तो अग्नि है ही है। अगर मैं अनुलोम विलोम ऐसे करूँगा इससे, तो मेरा अंगूठा मेरे चंद्र स्वर पर आकर बैठ जाता है। मेरा अंगूठा मेरे चंद्र स्वर पर आकर बैठ जाता है जो के विपरीत है। मेरे चंद्र और अग्नि की दोस्ती नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे पकड़ के करूँगा अनुलोम विलोम, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, ऐसे करूँगा, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। अग्नि को जल शांत करती, नहीं शांत नहीं करती। सूर्य पर अग्नि का वास करते हैं, उल्टा नहीं चलाते, सीधे चलाते हैं। अग्नि को सूर्य पर विराजमान करते हैं, हाँ। अग्नि को जल शांत नहीं कर रहा, अग्नि सूर्य पर विराजमान हो रही है। पृथ्वी और जल की चंद्र से दोस्ती होती है, पृथ्वी और जल की चंद्र से दोस्ती होती है, इसलिए ये दोनों उंगलियां चंद्र स्वर पर विराजमान हो जाती है जा करके, ठीक है। ये दोनों उंगलियां चंद्र स्वर पर विराजमान हो जाती है और अंगूठा मेरा सूर्य स्वर पर विराजमान हो जाता है, और इस तरीके से मैं अनुलोम विलोम की स्थिति बनाता हूँ। अगर मैं इस हाथ का इस्तेमाल करूँगा, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करूँगा, तो मेरा अग्नि मेरे चंद्र स्वर पर जाके बैठ जाएगी और मेरे सूर्य स्वर पर मैं पानी फेर दूंगा, जो कि विपरीत हो जाएगा। आपस में दोस्तियाँ नहीं है तो गड़बड़ बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सिर्फ सीधे हाथ का इस्तेमाल, नासिका ग्रह मुद्रा। आकाश का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई रेलिवेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, राइट। अगर किसी को मुद्रा बनाने में दिक्कत हो या ना समझ में आए, सबसे बेहतर है आप उनको ये कहिए कि अपने अग्नि को अपने सूर्य पे वास दे दो और जल को अपने चंद्र पे वास दे दो, सबसे बेहतर है। मतलब आसानी की टर्म्स में कि अगर किसी को, हाँ, और जल को चंद्र पे, क्योंकि जल और चंद्र की तो दोस्ती है ही है, राइट। पृथ्वी अगर लगाना चाहें तो साथ रख सकते हैं जल के, कोई आपत्ति नहीं वाली बात, ठीक है। और अगर पृथ्वी को भी हटाना चाहें तो जल रख सकते हैं, ठीक है। हम जनरली पृथ्वी को रख ही लेते हैं साथ में, आकाश की कोई रेलिवेंस नहीं है। तर्जनी तो है ही पापी फिंगर, तर्जनी तो है ही पापी फिंगर, इसने पॉइंट कर करके बहुत पाप कमा रखा है। हम किसी भी शुभ कार्य में तर्जनी का इस्तेमाल नहीं करते कभी भी, अगर आपको पता हो, हम किसी भी शुभ कार्य में कभी भी तर्जनी का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। दिस इज द डर्टी फिंगर, पापी फिंगर, डर्टी फिंगर, वॉट एवर यू कॉल। हवन में हमेशा सामग्री कभी डाली? हाँ। माला कभी जपी किसी भी शुभ कार्य में? आकाश भी लगा देते हैं, तर्जनी हटाना कंपल्शन होता है, ये बड़ी पापी फिंगर है। हाँ, इस उंगली ने बड़े पाप कमाए हुए हैं, तो इसीलिए आहुति देते हैं यहाँ से, इस तरफ से।
और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देते कभी भी, ऐसे देते, ऐसे देते इस तरफ से हम हमेशा देते देवताओं को, इस तरफ से हम देते हैं पितरों को, इस तरफ से हम देते हैं खुद को, आचमन करते हैं, इस तरफ से हम देते हैं खुद को, इस तरफ से हम देते हैं पितरों को, अगर पितरों को देना है ना कभी भी, इस तरफ से सामने से देते हैं देवताओं को। मैं पंडित नहीं हूँ मैं, वरना इस शिविर में ज़्यादा विषय में बात करता हूँ। अनुलोम विलोम का ये सब चीजें समझ में आई, क्लियर है बिल्कुल, याद रहेंगी बाकी बात मुझे कम याद रहेगी, इसलिए मैं रिपीटेशन करने आई हूं, कुछ चीजें नोट कर लेती हूं माइंड से। अनुलोम विलोम मैं करता किस प्रकार हूं, to happiness.